हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कृष्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, उत्कृष्ट एकेडमी आप सभी के लिए 20 प्रश्नों की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी लेकर आई है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के हम इन प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, उत्तराखंड में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कौन सा है? ऑप्शन ए है जागेश्वर, बी भुवनेश्वर, सी बनेश्वर, डी पवनेश्वर, यानी कि कहां पर है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी पवनेश्वर। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, 1930 में हेराल्ड एवर्ड में एवर्ड पर्वत पर चर्च किस जनपद में बनवाया था? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, बी चंपावत, सी बागेश्वर, डी पिथौरागढ़। इसका राइट आंसर है दोस्तों बी चंपावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मदेन ने पिंडारी ग्लेशियर जो बागेश्वर में स्थित है, इसकी खोज कब की थी? ऑप्शन ए है 1846, बी 1854, सी 1842 और ऑप्शन डी है 1852। राइट आंसर है दोस्तों ए 1846 ईस्वी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, काकोड़ा खाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए है चंडी प्रसाद भट्ट, बी श्रीदेव सुमन, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा या फिर डी सुंदरलाल बहुगुणा। इसका राइट आंसर है दोस्तों सी अनुसुईया प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगा गंगा प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? ए आपदा, बी भूस्खलन, सी पर्यटन और डी विद्युत से। इसका राइट आंसर है सी पर्यटन से संबंधित। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व विभाग ने चांदपुरगढ़ की खोज कब की थी? ऑप्शन ए 2006, 2008, 2009 या 2017। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंगूर की बेटी नाटक के लेखक है। ए शैलेश मटियानी, बी इला चंद्र जोशी, सी बीजी पंत, डी शेखर पाठक। राइट आंसर है सी बीजी पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किमुड़ा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए बागेश्वर, बी अल्मोड़ा, सी चमोली, डी टिहरी। राइट आंसर है दोस्तों सी चमोली जनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन रिसर्च सेंटर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए है नैनीताल, बी देहरादून, सी अल्मोड़ा या फिर डी पिथौरागढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नैनीताल। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक गलियारा उत्तराखंड के किस जनपद में बनने वाला है? ऑप्शन ए उधम सिंह नगर, बी देहरादून, सी हरिद्वार, डी नैनीताल। तो इसका राइट आंसर है ए उधम सिंह नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला लाइकेन गार्डन किस जिले में बनेगा? ऑप्शन ए अल्मोड़ा, बी पिथौरागढ़, सी देहरादून, डी हरिद्वार। इसका राइट आंसर है दोस्तों राइट आंसर है बी पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी दर्पण नाटक के लेखक हैं मन्नू भंडारी, इला चंद्र जोशी, लीलाधर जगुड़ी, महादेवी वर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मन्नू भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाति मेला कहाँ पर लगता है? पांडुकेश्वर में, गोपेश्वर में, बैजनाथ में या श्रीनगर में? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए पांडुकेश्वर। अगला प्रश्न है, राज्य में कुल कितने राजीव गांधी नवोदय विद्यालय स्थित है?
ऑप्शन ए है 13, 15, 20 या फिर 35। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए 13। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूर्यदृढ़ कृषि उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन ए है टिहरी, बी पिथौरागढ़, सी अल्मोड़ा, डी बागेश्वर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है, किर्जी महोत्सव कितने वर्षों बाद मनाया जाता है। दोस्तों ये किर्जी महोत्सव कंडाली महोत्सव को ही कहा जाता है। ऑप्शन वन ए 5, 12 वर्ष या फिर 9 वर्ष बाद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 12 वर्ष पश्चात। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिल्बू फेंकना क्या है। ऑप्शन ए उत्सव, बी कर, सी सेना, डी समिति। दोस्तों मिल्बू फेंकना ये पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है और इसका राइट आंसर है ए उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौबली उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है। ए चमोली, बी पिथौरागढ़, सी अल्मोड़ा, डी नैनीताल। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी पिथौरागढ़। अगला प्रश्न है दोस्तों, दुधियार देवी उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। ऑप्शन ए है पनाड़ा गांव में, बी भोपिया गांव, सी निनोस गांव, डी बियोदी गांव। इसका राइट आंसर है दोस्तों ए पनाड़ा गांव, यह पिथौरागढ़ जनपद में है। इसी के साथ दोस्तों इस सीरीज का यह आखिरी प्रश्न है, रुद्रपुर में रोटी बैंक की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए 14 मई 2017, बी 14 मई 2018, सी 14 मई 2016 या डी 14 मई 2015। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 14 मई 2017। इसी के साथ दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।